दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज कंज्यूमर के स्टॉक के बारे में। बजाज कंज्यूमर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी हमको यहाँ पर जो स्टॉक है पिछले कुछ समय से लगा यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पे स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पे स्टॉक में 0.43% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में यह तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 228 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 245, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 260, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 280, और इसके बाद अभी हमको यहाँ पे स्टॉक में 310, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 320 330 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 220 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 213 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 206 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट स्टेप पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।